Hello guys, welcome to the new video. So in today's videos we are going to discuss a new project. So the project name is Object Detecting. We have made this project using a Python and हमने कुछ external libraries को use किया हुआ है. So इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं मैं आपको पूरा बता देता हूँ अभी और फिर आप इसका demonstration देख लेना और आप line to line कैसे इसको बना सकते हैं वो भी आप देख सकते हो. अगर आपके पास time नहीं है तो मैं उसका भी solution बता सकता हूँ कि आप इसको कैसे directly download कर सकते हो if you don't have time और इफ़ यू आर बिजी इन सम अनदर प्रोजेक्ट और आप कुछ और काम कर रहे हो जिसमें आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाओ, तो या तो आप इसको डायरेक्टली बाय कर लो या फिर आप लाइन टू लाइन यहाँ से देख के मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा. तो आप लाइन टू लाइन भी बना सकते हो वीडियो को रोक कर. बहुत सिंपल है, इसमें पूरी लाइन्स का कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा. लाइन टू लाइन पर आप मैं समझाऊंगा तो आप तब भी इसको बना सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड या बाय करके वो भी आप कर सकते हो. तो जैसा आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो. पहले मैं आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, फिर जो जो चीज़ के अंदर यूज़ हो रखी है वो आप देख सकते हो. यहाँ से जाके updatekit.com डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका वेबसाइट का. इसमें पूरी डिटेल में आपको पता लग जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या यूज़ कर रखा है. ठीक है, आप यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ पर सर्च पर डाल देगा, यहाँ पर सर्च में डाल देना ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग, ठीक है, यूजिंग पायथन. तो आपके पास ये पहला प्रोजेक्ट आ जाएगा. इसमें आप खोल के इसको पूरी डिटेल में देख सकते हो इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ कर रखा है और क्या क्या इसके अंदर और एक्सटर्नल चीज़ें. डाउनलोड के लिए भी आप यहाँ से इसमें क्लिक कर सकते हो. तो अब आप इसका पहले डेमोन्स्ट्रेशन देख लो और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ रखी. सो इसमें दो फाइल है हमारे पास. एक फाइल का काम है हमारा जो हमारे पास ऑलरेडी इमेजेस है उनको डिटेक्ट करना और दूसरी फाइल का काम है कैम के थ्रू डिटेक्ट करना, लाइक हमारे लाइव कैमरे के साथ डिटेक्ट करना. तो पहले हम इमेज के साथ डिटेक्ट करेंगे, लाइक वी हैव यूज सम इमेजेस दैट आर सेव्ड इन ए फोल्डर इमेज. तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी इमेजेस को ऐड किया हुआ है. तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, यहाँ से इमेजेस को उठाएगा, ठीक है, हमें उसका पाथ चेंज करना पड़ेगा एंड देन उनको डिटेक्ट करके हमें उसका आउटपुट देगा. और आउटपुट के साथ हमें क्या मिलने वाला है, इसका साउंड भी मिलने वाला है कि लाइक वो हमें बोल के बताएगा कि वो इमेज क्या है एग्जैक्टली. सेल फोन है, डॉग है, कुछ भी जो भी हमने इमेज के अंदर ऐड किए हुए. वी हैव यूज मल्टीपल टाइप ऑफ इमेजेस. सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना इन चार पांच चीज़ों को. तो मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपको अगर आप बाय नहीं करने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से भी इसको बना सकते हैं खुद से, ठीक है. सबसे पहले आपने इन चार पाँच चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेना है, फिर आपने लोड ये वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है. ये क्या है, एक मॉडल है जिसके अंदर पहले से ही हमने ट्रेंड किया हुआ है कुछ ऑब्जेक्ट के लिए, लाइक इमेज पर्सन सेल फोन या कुछ भी जैसे डॉग. तो उसके लिए पहले ये ट्रेन हुआ मॉडल है. तो हमें मॉडल को ट्रेन नहीं करना, हमें उस लाइब्रेरी को यूज़ करना है बस, क्योंकि ये मॉडल पहले ट्रेन हो रखा है. तो हमें बस उसको यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना है, ठीक है, अपने कोड के लिए उसको यूज़ करके. तो हमने पहले क्या किया, उस मॉडल को यहाँ पर कॉल कर लिया नेट के अंदर, ठीक है, एक क्लास बनाई, ठीक है. उस क्लास के अंदर हमने क्या किया, नेम फाइल डॉट नेम रीड मोड में हमने उसको ओपन कर लिया है, ठीक है, फाइल को. एंड देन उसके बाद आप यहाँ से कोड को लिख सकते, वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हो, मतलब पूरा कंप्लीट कोड आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है. एंड देन लास्ट में हमने यहाँ पर लोड इमेज किया हुआ है. तो यहाँ पर जो भी हमें इमेज इस फोल्डर के अंदर से लेनी है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हमारी इमेज कर देगा मतलब जो भी हमारी इमेज है उसको लोड कर देगा यहाँ पर, ठीक है. फिर यहाँ पर हमने साइजिंग के लिए ऐड किया हुआ है कि जो हम आउटपुट स्क्रीन का साइज क्या रहने वाला है, ठीक है. एंड देन उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग के लिए हमने ऐड किया हुआ है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके दिखाएगा. फिर जो हमारी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन दिखने वाली है वो यहाँ से दिखेगी, नेम ऑफ द फाइल इफ यूजर मैचेस द आईडी. अगर जो हमने इमेज दी है उसकी आईडी मैच कर रही है जो भी हमारे मॉडल के अंदर ऐड है, ठीक है, उससे, देन वो हमें यहाँ पर दिखा देगा. ये हमारी डिटेक्टिंग इमेज की विड्थ एंड हाइट हो जाएगी जो भी हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के बाद वहाँ पर दिखेगी. उसके रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स हैं उस इमेज के. एंड देन ये हमारा लेबल्स रहने वाला है जो हमारे इमेज के ऊपर लेबल्स दिखने वाला है.
तो आप ये कंप्लीट कोड भी डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो। मैंने इसको इतना स्लो स्क्रॉल कर दिया है, आप इसको पॉज करके पूरा कंप्लीट कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा कैम के लिए है, ये कैम के लिए भी सेम है, बस इसमें हमने कैमरे को यूज़ किया हुआ है, इसमें भी कोई इमेज वहाँ से नहीं उठाएगा फोल्डर से। तो मैं इसको अब रन करके दिखा देता हूँ पहले। अभी हमारे पास इमेज है डॉग की, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉग नहीं सेलेक्ट करके हम करते हैं यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट, मोबाइल डॉट जेपीजी। तो ये हमें साउंड भी करके देगा और हमें इसका एग्जैक्ट इमेज भी बताएगा कि क्या है ये। तो हम इसको रन करते हैं। तो भी रन हो रही है। सेलफोन तो अभी इसने जो हमने ऐड किया हुआ, तो वो आपने साउंड इसकी सुनी होगी, सेल फोन। ये बैक एंड पे क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट इसको मिलेगा उसका साउंड जनरेट करेगा और यहाँ पर हमें दिखा देगा। ये इसका आउटपुट है, और जो रियल में इसका वहाँ पर आप देखोगे मोबाइल पर, तो रियल में कुछ ऐसी इमेज है और जो हमारी आउटपुट है वो ऐसी है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा जो भी इसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर डॉग ऐड करता हूँ एंड देन इसको मैं रन करता हूँ अभी, तो अभी ये क्या करेगा, अभी डॉग को दिखाएगा ये। तो अभी इसने आउटपुट शो कर रहा है। डॉग डॉग अभी इसने डॉग को दिखाया है और डॉग के आउटपुट भी इसने यहाँ पर दिखा दिए। तो ये जितने भी इसको इमेजेस हम इमेज के अंदर ऐड करेंगे वो यहाँ पर दिखा देगा। आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पर रन टाइम बना सकते हो कि आप इमेज उसको ऐड कराओ एंड देन वो इमेज वहां से उठाए, ठीक है। अब मैं आपको कैम वाला भी दिखा देता हूँ। लैपटॉप का कैमरा इतना क्लियर नहीं है, तो मे बी इट विल शो मी सम ब्लरी इमेजेस, पर आप चेक कर लो उसको। ये रन करने के लिए है तो हम चेक कर सकते हैं इसको। तो अभी कैमरा स्टार्ट कर रहा है, तो अभी आप देख सकते हो कि इसने पर्सन दिखा दिया। यहाँ पर कैमरा थोड़ा ब्लरी है और स्लो स्पीड पर है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। और अगर मैं इसको सेलफोन अभी दिखाऊं अपना, तो ये उसको भी डिटेक्ट करके बता देगा। आई थिंक कैमरा बहुत स्लो चल रहा है, इस वजह से क्लियर नहीं दिखा पा रहा है। ओके, कैमरा स्लो है क्योंकि अभी मेरी रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना, इसलिए नहीं दिखा पा रहा है। अदरवाइज तो इसमें अभी सेलफोन भी दिखा देता है इसको, तो कैमरा बहुत स्लो है, इस वजह से प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा है, बट पर्सन को कैच कर रहा है कैमरे को सेलफोन कैच नहीं कर रहा है, और अभी नॉर्मली कैच कर रहा था। तो ठीक है, इसमें आप सेलफोन ऐड करोगे ना अपने बिना वीडियो रिकॉर्डिंग चलाए हुए, तो आपको दिख जाएगा फिर उसमें। तो ये पूरा कंप्लीट कोड है दोनों चीज़ों को, ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग का यूजिंग पाइथन। यू कैन डाउनलोड और यू कैन मेड इट बाय योर एंड। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कर लेना। अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हो, देन मैंने कोड आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा कोड लिख सकते हो। हमने 3-4 लाइब्रेरीज को यूज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो उन सब चीज़ों को, और कुछ फाइल को इम्पोर्ट करना है वो भी हम इम्पोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।